तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे जो होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे आप लोग जो है वो पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। तो आई होप आज जो है बच्चा, आज जो है इंग्लिश का, ठीक ना, इंग्लिश का क्या मैंने साइनोनियम, साइनोनियम की जो वर्ड्स है बच्चा वो मैंने अपलोड किया। आई होप सभी बच्चे ने जो साइनोनियम यानी इंग्लिश वाले वर्ड्स को देखा था, ठीक ना। क्या होता है बच्चा, जो साइनोनियम है उनसे आप लोगों के लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइनोनियम एंटोनियम से जो आप लोगों के लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और समझिए इस बात को, अगर 5 प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो साइनोनियम एंटोनियम से 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों से, जो मैं पढ़ाऊंगा साइनोनियम एंटोनियम ना, वहीं से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि एक वर्ड्स को मैंने लगभग 20 से 25 से 30 वर्ड्स जो है बच्चा वो मैं लिखवाता हूँ, ठीक ना। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव काम करते हैं, और उसी के अंडर पूछा जाएगा, ठीक ना। किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाता हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को उसके रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो पेपर में नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना। तो सभी बच्चे जो हैं इस सेशन के साथ जो हैं जुड़ेंगे, और जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को लाइक करेगा। और एक बात और कहना चाहते हैं बच्चा, जब वीडियोस अपलोड होती है बच्चा, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन बेल अगर पहुंचती है तो अच्छी बात है, ठीक ना। अगर नहीं पहुंचती है तो बेल आइकन से सब्सक्राइब जहां पर करते हो बच्चा, वहीं साइड में बच्चा एक घंटी समान एक संरचना बनी होती है, उस पर क्लिक करके बच्चा ऑल नोटिफिकेशन ऑल जो है आप लोगों को ऑन कर लेना, ताकि जो है बच्चा आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके, ठीक ना। आप लोगों तक क्या हो, डायरेक्ट पहुंच सके, और डायरेक्ट जो है वो आप हमारे साथ जुड़ सके, ठीक ना। तो चलिए बच्चा, आज जो है प्रश्न को करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट स्प्रेड्स काला आजार, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ कीटे होगा, कीटे काला आजार को फैलाती हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स जो हैं, कौन से इंसेक्ट्स, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज, थोड़ी सी इंग्लिश में मिस्टेक्स हो गई है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स स्प्रेड्स काला आजार, ठीक ना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कीटे हैं, यहाँ कीटे होगा बच्चा, निम्नलिखित में कौन सी जो कीटे हो कालाजार को फैलाती हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, और हर एक बच्चा जो है कमेंट में आंसर देगा, हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर आना चाहिए, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनका भी, और पेड क्लास बच्चे जो हैं उनका आता ही है कमेंट, ठीक ना। तो यूट्यूब वाले बच्चे भी जो हैं देंगे आराम से, और ईमानदारी पूर्वक पढ़िए बच्चा, पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 100% निकलेगा, ठीक ना। आप लोग जो हैं ये मत समझिएगा, ठीक ना, ये मत कभी आप लोग समझिएगा कि ये जो प्रश्न है वो ऐसे वैसे हैं, ठीक ना। अगर मैं प्रश्न को ला रहा हूँ तो इसमें जान है और दम होगा, ठीक ना। ये पेड क्लास वाले बच्चे मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, मैं ये बात यूट्यूब वाली जो फैमिली है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो चलिए बच्चा पढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी कीटे काला आजार को फैलाती हैं। ऑप्शन ए आपके पास है टसी टसी फ्लाई, ठीक ना, टसी टसी मक्खियां हैं। ऑप्शन बी है फ्रूट फ्लाई, ठीक ना। ऑप्शन सी है सैंड फ्लाई। ऑप्शन डी है मॉस्किटो, ठीक ना। सभी को हिंदी में भी बच्चा यही होगा, ठीक ना, हिंदी में भी यही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा, सभी बच्चे देंगे कहाँ पर, कमेंट में उत्तर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा बच्चा ये होगा सैंड फ्लाई। क्या होगा बच्चा राइट आंसर इसका, सैंड फ्लाई। राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसका, सैंड फ्लाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, सैंड फ्लाई। चलिए बच्चा दूसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हाँ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक ना, ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है, आप लोग सभी बच्चे देंगे। कह रहा है मैच द फॉलोइंग, कह रहा है मैच द फॉलोइंग, इस फॉलोइंग को मैच करो। लिस्ट वन दिया हुआ है, लिस्ट टू दिया हुआ है, ठीक ना। इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बैक्टीरियम लिखा हुआ है, फंगल लिखा हुआ है, फंगस लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, और इधर बीमारियों के नाम है, और इधर जो है वो किन 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 बीमारियों किन किन कारण के कारण होती है, यानी कि बैक्टीरिया के होता है, वायरस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है, उनका नाम लिखा हुआ है। तो जनरली क्या करना है आप लोगों को, मैच करना है कि काला जार जो है बच्चा, या ट्यूबरक्लोसिस है, या इन्फ्लुएंजा है, या रिंग वॉर्म है, ठीक ना, ये किन के कारण होता है, ये जो है आप लोगों को मैच करना है। तो चलिए करते हैं मैच। तो मैं डी से शुरू करता हूँ, मैं क्या करता हूँ डी से शुरू, ये मुझे वायरस दिखा, क्योंकि मैंने पहला ट्रिक क्या बताया था, वायरस का बताया था। तो देखते हैं वायरस
से होने वाली यहाँ पर कौन सी डिजीज़ है, तो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब मैं ट्रिक पढ़ता हूँ तो मुझे एक लाइन मिलती है, एक वर्ड मिलता है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ ग ई ई ई ई ई ई ई क्या था, इन्फ्लुएंजा, यानी कि मुझे डी क्या दिखा, डी तीसरे के साथ मैच कर रहा है, ठीक ना। अगर आप सी की तरफ देखोगे क्या है, सी की तरफ तरफ देखोगे तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है बच्चा, प्रोटोजोआ किससे होने वाला है, कालाजार, प्रोटोजोआ किससे होने वाला है, कालाजार, कालाजार से होता है प्रोटोजोआ, ठीक ना, काला जार से होता है, ठीक ना। जब आप लोग ट्रिक पढ़ते हो, एक ट्रिक पढ़ते हो ना, पापा काम पे फ्री सोते हैं, पापा काम कहा आया ना, पापा काम, म में मलेरिया यहाँ पर था, आकाश क्या था, यही काला जार था, और ये जो ट्रिक मैंने बताया था वो प्रोटोजोआ का ट्रिक था। तो ये जो होगा बच्चा, ये क्या होगा, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। फंगल देखें तो क्या है, फंगल कौन कौन बच्चा, ट्यूबरक्लोसिस और रिंग वॉल्व। जब आप लोग, रिंग वॉल्व क्या होता है, दादो कहा जाता है, ठीक ना, तो फंगस का ट्रिक पढ़ते हो, क्या ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद, दामाद, दा क्या था, दमा, दमा और दाद था ना, दामाद से दमा और दाद था, यानी कि रिंग वॉल्व। तो आप लोग, बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया जो है ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होता है बचाओ, बैक्टीरिया से होता है। तो आप लोग देखिएगा, चौथा ऑप्शन जो है आप लोगों का मैच हो रहा है, ठीक ना। पर कई स्टूडेंट यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे कि सर मुझे तो यहाँ पर आता है सिर्फ किसका, मुझे किसी का नहीं आता सर यहाँ पर, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे, सिर्फ इसको उठाएंगे, इस वायरस को उठाएंगे, देखेंगे कि वायरस से होने वाला यहाँ पर कौन सा डिजीज़ है। तो देखेंगे इन्फ्लुएंजा है, यानी कि डी थ्री के साथ मैच हो रहा है, डी किसके साथ मैच हो रहा है, और जो मैं थिंकिंग बता रहा हूँ ना कि इस तरीके से आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है, इसी तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करना है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इंटेलिजेंट बनकर। डी ऑप्शन क्या है, वायरस, वायरस इन्फ्लुएंजा से होने वाला जो है, इन्फ्लुएंजा जो है बच्चा वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि डी थ्री के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन में देखो डी किसके साथ, यहाँ डी वन के साथ मैच हो रहा है, गलत ऑप्शन, यहाँ पर डी फोर के साथ गलत ऑप्शन, डी वन के साथ गलत ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है सही। मैंने कितने सेकंड लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ झटाक से आंसर दे दिया। उसी प्रकार से आप लोगों को पेपर में यही जो ट्रिक्स हैं यही अप्लाई करना, सभी को पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो दिखा सामने उसको पढ़ो और ऑप्शंस में ढूंढने लगो कि ये ऑप्शंस में है कि नहीं है। अगर यहाँ पर डी तीन दो को रहता ना, अगर डी मान लो यहाँ पर वन की जगह पर ये भी थ्री रहता, यहाँ पर थ्री रहता, तो फिर मैं कन्फ्यूज हो जाता। पर ये दो ऑप्शन देखो, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है, कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर आंसर को ढूंढते हो। क्वेश्चन को आप लोगों में, एवरेज स्टूडेंट्स में और टॉपर्स में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है बता रहा हूँ। कई बच्चे देखो, एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन पढ़कर क्या करता है, सही उत्तर को, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका सही उत्तर ऑप्शंस में ढूंढेगा। पर टॉपर क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ेगा और कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है वो ढूंढेगा। भाई साहब, जो ऑप्शन नहीं होगा वो ढूंढ लेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा, होने वाला, ठीक ना। ज़्यादातर एसएससी सीजीएल रेलवे एग्जाम्स जो हाई लेवल्स के, हमारे हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक ना, इसमें, ठीक ना, यही ढूंढा जाता है। मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे ना आप लोग, जनरल मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो पर थोड़ा सा लो लेवल है वहाँ पर एसएससी सीजीएल ये सब हाई लेवल है, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर वो ऑप्शंस को ढूंढा जाता है जो ऑप्शंस निगलेक्ट हो सके, बाहर हो सके, ठीक ना, और जो लास्ट में बच जाता है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक ना। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट, यानी कि इन योर डाइट हो रहा है, ठीक ना, डाइट, यानी कि इनमें से कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होती है। कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रोग है जो आहार में अगर प्रोटीन की कमी हुई, यानी कि आपके खाना में, जब जो खाना खाते हो ना आप लोग, जो भोजन ग्रहण करते हो उसमें प्रोटीन की कमी हुई, तो इन चारों में से कौन सा रोग होने का चांसेस होते हैं, संभावना होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। हर एक बच्चा मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, बच्चा आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और पढ़कर कमेंट में उत्तर दीजिए, ठीक ना, ईमानदारी से पढ़िएगा बच्चा। एक ना एक दिन आप लोग जो है ना बच्चा, टाइम लगेगा, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है ना उसको टाइम लगेगा, पर कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा, इस बात को लिख लीजिए कहीं, ग्रंटेड है ये बात। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो आज न कल सफल होंगे, और जो बच्चा बेईमानी कर रहा है कभी भी अपने साथ बेईमानी मत करना, ठीक ना, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा,
क्वासियरकर, क्या हो जाएगा, क्वासियरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यह होता है कि प्रोटीन की कमी अगर आपके डाइट में यानी कि आहार में अगर प्रोटीन की कमी हुई ना बच्चा, तो क्वासियरकर ये जो है डिजीज हो जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डेंगू इज काउज्ड बाय दी, डेंगू किससे होने वाला रोग है, जो डेंगू है बच्चा वो किससे होने वाला रोग है। ठीक ना, डेंगू किससे होने वाला रोग है, तो आप लोग पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है वायरस, ठीक ना, थर्ड ऑप्शन है नीमाटोड और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोजोवन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, सभी बच्चे कमेंट में उत्तर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चा इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, मुझे एक ट्रिक याद आती है इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, कौन सी आप लोग कहिएगा कि सर आप लोग, आपको सर झट से कैसी देख कर बता देते हो सर कि ये वायरस होगा या प्रोटोजोआ होगा, तो बच्चा ये प्रैक्टिस होगी। ठीक ना, डेंगू है तो पढ़िए चारों ट्रिक को दिमाग में घुमाइए कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ छोड़ गई, छो र यहाँ जो ड है ना छोड़, ये छो से छोटी माता है यानी चिकन पॉक्स, और ड से यहाँ क्या था डेंगू, यानी कि मैं किसका ट्रिक पढ़ रहा हूँ, वायरस का। पढ़ोगे दिमाग में चलाओगे ऑटोमेटिकली चीजें आती रहेगी, बस प्रैक्टिस। इसलिए मैं जो न्यू बैच वाले स्टूडेंट्स उन लोगों को भी कहता हूँ बच्चा प्रैक्टिस करो। ठीक ना, उन लोगों को विटामिन से भी मैं करा रहा हूँ, तो साथ साथ मैं कहता हूँ बच्चा प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक ना, और कंपटीशन लेवल बहुत है बच्चा। ठीक ना, आप लोगों को पता है जो पिछले पेड वाले क्लासेस वाले बच्चे हैं, आप लोगों को बता दूँ जिनका अभी इंग्लिश चल रहा है, ठीक ना, उन लोगों को मैं बता दूँ बच्चा, जो पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं सिर्फ इंग्लिश जो है उनका रहता है, उनको बता दूँ बच्चा जो नए बैचेज हैं ना उनमें बहुत ही खतरनाक खतरनाक स्टूडेंट्स हैं, समझिए बात को, जो न्यू बैचेस हैं उसमें बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप लोगों को कड़ी टक्कर देंगे, जो पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं जो मुझे लगते हैं 10 15 20 लगते हैं स्टूडेंट जो कमाल कर सकते हैं आने वाला पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में, पर बच्चा बच कर रहिएगा और अपनी जो प्रिपरेशन है बूस्टअप करते रहिए, अपडेट होते रहिए, क्योंकि जो नया बैच हुआ है उनमें मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ बहुत ही जो है खतरनाक आंसर देते हैं, कुछ भी पूछो झटाक से आंसर आता है। तो आप लोग जरा बच के रहिएगा और खतरनाक तैयारी करिए अगर आपको रैंक लाना है 1 से 10 के बीच में। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या बताया मैंने, वायरस, क्योंकि वायरस का जब ट्रिक पढ़ते हैं तो रेखा में हिट करके पहुंचे छोड़, डर से क्या था डेंगू। ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वायरस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, ये वायरस हो जाएगा। ठीक ना, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे आगे बढ़े, तो आगे क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्फ्लुएंजा जो है रोग किसके कारण होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता हो गया, रेखा मेट खिट करके पोछे छोड़ गई, ई क्या था इन्फ्लुएंजा, ई क्या था बच्चा इन्फ्लुएंजा। आप लोगों को बता दूं बच्चा मैं, इन्फ्लुएंजा जो है ये इसका भी प्रकार होता है, जो आप लोग बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू देखते हो ना, ये इन्फ्लुएंजा का ही प्रकार है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। ठीक ना, कि बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू ये इन्फ्लुएंजा का ही प्रकार है, और ये किससे होता है, ये वायरस से होने वाला रोग है, ये किससे होने वाला रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है, ये किससे होने वाला रोग है बच्चा, ये वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे है डिजीज है, देख लीजिएगा ऊपर नीचे कर रहे हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग में यहाँ पर डिजीज है, यहाँ पर टाइप है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, मलेरिया, और सेकंड नंबर पे मायोसिस लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे रेबीज लिखा हुआ है, लिपोजरी, यानी कि इधर मैं देखने को मिल रहा है मुझे डिजीज का नाम। ठीक ना, और इधर में जो देखने का मिल रहा है कि जिससे होता है, यानी कि वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगल से, प्रोटोजोआ से, तो फिर वही वाला ट्रिक यहाँ पर आजमाना है जो मैंने बताया ना, झट से आंसर देने वाला, कोई एक डिजीज को उठाओ और मैच करो और ऑप्शन में भिड़ जाओ। तो मैं देखता हूँ लिपोजरी, लिपोजरी यानी कि कुष्ठ रोग होता है, तो कुष्ठ रोग किससे होता है बच्चा, कुष्ठ रोग किससे होता है, कुष्ठ रोग, तो मुझे याद आ रहा है बैक्टीरिया वाला ट्रिक, क्या था बैक्टीरिया वाला ट्रिक, पंडित का टिक न्यू है सीगो, न्यू है, नहीं, लिपोजरी नहीं होगा, लिपोजरी नहीं होगा, वो कुष्ठ रोग होगा, वो कोलोरा होगा, नहीं, कौन सा ट्रिक किससे, दिमाग लगाइए जला, मलेरिया, मलेरिया किससे होगा, मलेरिया, मुझे एक ट्रिक याद आ रहा है, ए को मैं उठा लेता हूँ, पापा काम पे फ्री सोते हैं, पापा काम पे फ्री सोते हैं, ये किसका ट्रिक था, ये प्रोटोजोआ का ट्रिक था, यानी कि प्रोटोजोआ होता है, यानी कि ए को मैं 4 के साथ मैच कर रहा हूँ, ए को 4 के साथ मैच कर रहा हूँ, ए को 4 के साथ, ए फर्स्ट के साथ है, ए 2 के साथ है, ए 3 के साथ है, ए 4 के साथ है, तो ए किसके साथ होगा, ए यहाँ पर 4 के साथ, ए 4 के साथ है ना, तो होगा। वैसे भी आप लोग अगर देखोगे जो बी ऑप्शन है बच्चा मायोसिस, ठीक ना, ये जो होता है बच्चा ये फंगल के कारण होता है। ठीक ना, मैं आप लोगों को जल्दी
आंसर तक पहुंचने का रास्ता बता रहा हूँ, ठीक ना। पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि आप लोग इस तरीके से क्या करोगे, अपने एग्जाम में टाइम को बचाओगे, ठीक ना। इस टाइम को बचाकर और किसी चीज़ में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, मैथमेटिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक ना। और रेबीज जो होती है बच्चा, वो एक वायरल है, ठीक ना, वायरस होने वाला डिजीज़ है। अलीपूजरी आप लोगों को पता ही है, बैक्टीरिया है, ठीक ना। पंडित का टिकन्यू है सीगो, ठीक ना। कुष्ठ रोग होता है पंडित का क्या है यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। का क्या है यहाँ पर, का बताइएगा, का है पंडित का टिक न्यू है सीगो, जो पेड क्लास वाले बच्चे हैं उन्हें बताइएगा का क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित का टिक न्यू है सीगो, और एक था पापा काम पे फ्री सोते हैं, ठीक ना, दो ट्रिक था। आगे बढ़िए जरा, क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड द क्लोरा वैक्सीन, क्लोरा वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया, ठीक ना। हमरी देवी नहीं होगा, डेवी होगा, हमरी डेवी होगा, ठीक ना। और यहाँ पर ल्यूक मोंटागिनर होगा, ठीक ना, और क्रिश्चियन इजिकमैन होगा, वॉल्टर मैन हैफ काइफन होगा, ठीक ना, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जरा फटाफट आंसर बताइएगा, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्टर मार हैफ काइफन, वॉल्टर मार हैफ काइफन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कहता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ कैडमियम मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में लगभग प्रीवियस ईयर उठाओगे रेलवे का 100 बार ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे में। तो मैं स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ आप लोगों का, समझे हो ना, स्टैंडर्ड जो है मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा आप पैरा मेडिकल तक सीमित नहीं रहो, हमें बच्चा फोड़ना है एग्जाम को, प्रश्न वो कहीं से लाए, प्रश्न कहीं से लाए हमें फोड़ देना है बायोलॉजी का प्रश्न, तो ठीक ना। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समझिएगा बात को, कैडमियम मेटल है बच्चा, ठीक ना। और क्या हुआ था, क्या हुआ था, समझिएगा बात को, कैडमियम एक क्या है, कैडमियम में क्या है, मेटल है, कैडमियम में क्या है, मेटल है। और साल 1956 में बच्चा क्या हुआ था, साल 1956 में क्या हुआ था, जापान में इसकी महामारी आई थी, क्या हुआ था, जो कैडमियम मेटल है वो क्या हुआ था कि वाटर में क्या हुआ था, फैल गया था, क्या हुआ था, पानी में फैल गया था, ठीक ना, पानी में कैडमियम जो है और घुल गया था, और पानी में घुलने की वजह से क्या हुआ था, और वही पानी का अगर सेवन कर लिया है तो ये जो है रोग कौन सा हो गया था, इटाइटाई, ये कौन सा रोग है, इटाइटाई। कैडमियम क्या हुआ था 1956 में जापान में क्या हुआ था बच्चा, कि ये कैडमियम पानी में घुल गया था और उसी पानी का सेवन करने से एक बीमारी फैली जो इटाइटाई कहा जाता है इसको, ठीक ना। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन, यूवी रेज जो है यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं जो सन से आती हैं, ठीक ना, वो किसके कारण, यानी कि सूर्य की जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होते हैं, मुख्य रूप से कौन सा कैंसर होता है, यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है बच्चा, उससे मुख्य रूप से कौन सा कैंसर होता है। पहला है फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग्स कैंसर, यकृत का कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ का कैंसर यानी कि माउथ कैंसर, और त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर। तो ये बहुत ही चुन्नू मुन्नू वाला प्रश्न है, आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए इसका, ठीक ना। इसका फटाफट आंसर देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चा, त्वचा कैंसर, ठीक ना, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक ना बच्चे। मैं जो हूँ बच्चा वो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक ना, कि जो है आप लोग जो है वो बच्चा बेहतर कर पाएँ, बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को जो है ग्रहण कर पाएँ, ठीक ना। इसलिए जो है बच्चा जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, ठीक ना, कि आप लोगों को मेरे साथ एक्सपीरियंस यानी कि मेरे साथ पढ़कर आप लोगों को कैसा लगा, कुछ आप लोग को जानने को मिला या बेफालतू में ही आप लोगों को पैसा वेस्ट हो गया, इस टाइप का जो होता है, कई लोगों का डर होता है, ठीक ना। कई लोगों का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है वो थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो आ रही है इशू, और कई लोग कह रहे हैं सर मेरा पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, वो जो है टेक्निकल इशूज आने की वजह से वो घट जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि पुराने स्टूडेंट जो हैं वो सबूत हैं, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिएगा हमारा स्टैंडर्ड क्या है और हमारी क्वालिटी क्या है, ठीक ना। तो हम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं बच्चा, ठीक ना, ऐसे ही बेफालतू वाली चीज़ें हम लोग नहीं करवाते।